वाली द्वारा प्रस्तुत दसवां त्रिनेतातिस रविवारीय गिरजा आराधना में आपका स्वागत है। तो आइए आज का गिरजा आराधना शुरू करने से पहले हम निजी प्रार्थना में जाएंगे। आज का पवित्र गिरजा आराधना शुरू करते हुए हम गीत गाएंगे साक्षीवाणी में से गीत नंबर 133। Yeah.
पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु सुख्रिस्ट के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमेन। आज का ठहराया गया पहला पाठ वचन जो हमें मिलता है लुका रचित सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या
41 से 46 पद तक। जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा, क्या ही भला होता कि तू, हाँ तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आँखों से छिप गई है, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को जो तुझ पर कृपा दृष्टि की गई ना पहचाना। तब वह मंदिर में जाकर बेचने वालों को बाहर निकालने लगा और उनसे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं की खोह बना ली है। यहाँ तक, आमीन। आज का ठहराया हुआ दूसरा पाठ वचन हमें मिलता है यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 7 पद संख्या 1 से लेकर 11 तक। जो वचन यहोवा की ओर से यिर्मयाह के पास पहुंचा वह यह है, यहोवा के भवन के फाटक में खड़ा हो और यह वचन प्रचार कर और कह, हे सब यहूदियों, तुम जो यहोवा को दंडवत करने के लिए इन फाटकों से प्रवेश करते हो, यहोवा का वचन सुनो। सेनाओं का यहोवा जो इसराइल का परमेश्वर है यो कहता है, अपनी अपनी चाल और काम सुधारो, तब मैं तुमको इस स्थान में बसे रहने दूंगा। तुम लोग यह कहकर झूठी बातों पर भरोसा मत रखो, यही यहोवा का मंदिर है, यही यहोवा का मंदिर, यहोवा का मंदिर। यदि तुम सचमुच अपनी अपनी चाल और काम सुधारो और सचमुच मनुष्य मनुष्य के बीच न्याय करो, परदेशी और अनाथ और विधवा पर अंधेर ना करो, इस स्थान में निर्दोष की हत्या ना करो और दूसरे देवताओं के पीछे ना चलो जिससे तुम्हारी हानि होती है, तो मैं तुमको इस नगर में और इस देश में जो मैंने तुम्हारे पूर्वजों को दिया था युग युग के लिए रहने दूंगा। देखो, तुम झूठी बातों पर भरोसा रखते हो जिससे कुछ लाभ नहीं हो सकता। तुम जो चोरी, हत्या और व्यभिचार करते, झूठी शपथ खाते, बाल देवताओं के लिए धूप जलाते और दूसरे देवताओं के पीछे जिन्हें तुम पहले नहीं जानते थे चलते हो, तो क्या यह उचित है कि तुम इस भवन में आओ जो मेरा कहलाता है और मेरे सामने खड़े होकर यह कहो, हम छूट गए हैं कि ये सब घृणित काम करे? क्या यह भवन जो मेरा कहलाता है तुम्हारी दृष्टि में डाकुओं की गुफा हो गया है? मैंने स्वयं यह देखा है, यहोवा की यह वाणी है। यहाँ तक, आमीन। वचन पढ़ने वाले भाई और बहन को धन्यवाद। तेरा धन्यवाद होवे हे क्रिस्ट यीशु। हालेलुया। कलिशिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेकर एक साथ यूं कहें, मैं विश्वास करती हूं परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो बुद्ध आत्मा से गर्भ में आया, कुमारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पंतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तानी कलिशिया, पौत्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह की जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन।
समय हम दूसरे गीत गाएंगे साक्षीवाणी से गीत नंबर 326। परमेश्वर हमारे मुख में हो करके आप बोलिए ताकि परमेश्वर सुनने हारों का जीवन
आशीषित होने पाए। सारी बातों के लिए पिता आपको धन्यवाद करते हैं। मसीह यीशु के नाम से या प्रार्थना को मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आज का उद्देश्य वचन जो ठहराया गया है वह हमें मिलता है पहला कुरिन्थी 12 अध्याय पद संख्या 1 से लेकर 11 पद तक। उसमें परमेश्वर का जीवित वचन ऐसा लिखा हुआ है, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे तो गूंगी मूर्तियों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि ईश्वर श्रापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि ईश्वर प्रभु है। वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार के हैं, परंतु प्रभु एक ही है, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हरेक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है, फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति और किसी को भविष्यवाणी की और किसी को आत्मा की परख और किसी को अनेक प्रकार की भाषा और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य एक ही आत्मा कराता है और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। यहाँ तक आमीन। मसीह में प्रिय माता पिता एवं भाई बहनों और छोटे बड़े बच्चों, मोहलपाली मंडली महिला संघ की ओर से आप सबों को यीशु है। निश्चय ही परमेश्वर ने आज या ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम को प्रदान किया कि हम घर बैठे मसीह संगति में एक दूसरे के साथ जुड़ पाते हैं। आज का उपदेश वचन जैसे हमने पढ़ा पहला कुरिन्थी 12 उसका 1 पद से लेकर के 11 पद में, यहाँ पौलुस प्रेरित कुरिन्थी मंडली को पवित्र आत्मा के वरदान के विषय बताते और चिताते हैं कि आत्मा के वरदान से अनजान ना रहे और शैतान को अवसर ना दे कि उनके बीच किसी भी प्रकार के मतभेद हो। पौलुस प्रेरित आज कुरिन्थी मंडली को हर प्रकार से परमेश्वर की विश्वास और आत्मा में सुदृढ़ता के साथ बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जैसे एक देह में भिन्न भिन्न प्रकार के अंग होते हैं और हम लोग जानते हैं कि हर एक अंगों का कार्य अलग अलग होता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा के द्वारा अलग अलग वरदान दिए जाते हैं और उसी वह वरदान जो कि परमेश्वर की महिमा के लिए होता है। जितने आत्मा के चलाए चलते हैं वे यीशु मसीह को अपने प्रभु करके ग्रहण करते हैं। कोई भी बिना आत्मा की अगुवाई से परमेश्वर का काम नहीं कर सकता, जैसे लिखा हुआ है फिलिपी उसका 2:2 से लेकर 5 पद में, यहाँ हम लोग परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखता है, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित और एक ही मानसा रखो। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरे के हित को भी चिंता करे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही
तुम्हारा भी स्वभाव हो। मसीह में प्रियो, पौलुस प्रेरित आज लोगों के बीच में होकर के परमेश्वर के सच्चाई की बातों को बतलाते हैं और वे भी चाहते हैं कि आज लोगों के जीवन में लोग परमेश्वर का वरदान के विषय में वे जान सके और उससे अवगत हो सके। और जैसे वे अन्य जाति होकर गूंगी मूर्तियों के पीछे चलाए चलते थे, वैसे ना चले। जैसे मूसा के समय में इसराइलियों परमेश्वर के विरोध बलवा कर उठे और उसके प्रेम और दया को भूल गए कि वे किस प्रकार बचाए गए थे और मिस्र की दासत्व से निकाले गए थे। वे अपने लालसाओं के अनुसार अपने लिए निर्जीव वस्तुओं से अपना देवता बना लिए। आज उसी बातों को यिर्मयाह नबी इसराइलियों से कहता है कि वे अपने काम को सुधारें, पश्चाताप करें, अपने लोगों के बीच न्याय करें, अन्याय और अनीति से अपना पेट मन को ना भरें, परंतु परमेश्वर की ओर अपने आंखों को लगाएं। जिस प्रकार हमें वचन मिलता है यिर्मयाह 7 उसका 4 पद में वचन में लिखा हुआ है, तुम लोग या कहकर झूठी बातों पर भरोसा मत रखो, यही यहोवा का मंदिर है, यही यहोवा का मंदिर, यहोवा का मंदिर। यहाँ पर यिर्मयाह इसराइलियों को कहता है कि वे अपने अंदर विभिन्न प्रकार के गंदगियों को रखकर परमेश्वर का आराधना कैसे करें। मसीह में प्रियो, परमेश्वर के उपस्थिति के बिना और उसके आराधकों के पवित्रता के बिना वह मंदिर एक भवन मात्र कहलाता है। परमेश्वर होम बलि या मेल बलि से प्रसन्न नहीं होते। मसीह में मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम अपने मन को उनके लिए देवे। वह हमारे मनुष्य के बलिदानों से वो प्रसन्न होते हैं। जिस तरह से भजन संहिता का पुस्तक उसका 51:16-17 पद में हम लोग देखते हैं, वहां परमेश्वर का वचन इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता, होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुझ नहीं जानता। जिस प्रकार यिर्मयाह के समय में हम देखते हैं कि इजरायली अपने लालसाओं के अनुसार चलते थे, उसी प्रकार यीशु के समय में भी हम देखने को पाते हैं कि यहूदी भी अपने परंपराओं को परमेश्वर का वचन करके सिखाते थे और परमेश्वर का मंदिर के पवित्रता को भंग करते थे। जिस प्रकार हम लोग वचन में देखते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 19:45-46 पद को हम लोग देखते हैं, तब वह मंदिर में जाकर बेचने वालों को बाहर निकालने लगा और उसने कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं की खो बना दिया है। वे मंदिर के बाहर परमेश्वर के नाम पर व्यापार करते थे जो कि परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध था। आज पौलुस प्रेरित भी उसी बातों को हमें सिखाते हैं कि हम परंपरागत कामों को और गूंगी मूर्तियों के द्वारा व्यभिचार के कामों के पीछे ना चलें, परंतु सच विश्वास और पवित्रता से आत्मा के चलाए हुए चलें।
और आत्मा के कामों को समझें, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा मसीह भाइयों के लिए हर बातों में भलाई ही को उत्पन्न करती है। परमेश्वर का वचन हर प्रकार से हमारे बीच में मेल मिलाप ही को उत्पन्न करती है। इसलिए हम हर एक आत्मिक वरदानों को आदर करें और मसीह प्रेम में एक दूसरे के साथ दृढ़ता से बढ़ते जावें। प्रभु हमें इस वचन पर बहुत आयत से आशीष देवे। आमीन। आइए इस वचन के आधार पर हम एक गीत को गाएंगे। ज्ञान भी है, वरदान भी है, सब कुछ तो है तेरे पास। ज्ञान भी है, वरदान भी है, सब कुछ तो है तेरे पास। ज्ञान भी है, वरदान भी है, सब कुछ तो है तेरे पास। गिरजा नहीं आते हो, दूर चले जाते हो क्यों? गिरजा नहीं आते हो, दूर चले जाते हो क्यों? ज्ञान भी है, वरदान भी है, सब कुछ तो है तेरे पास। ज्ञान भी है, वरदान भी है, सब कुछ तो है तेरे पास। बिनती नहीं करते हो, दूर चले जाते हो क्यों? बिनती नहीं करते हो, दूर चले जाते हो क्यों? ज्ञान भी है, वरदान भी है, सब कुछ तो है तेरे पास। ज्ञान भी है, वरदान भी पिता, आपके पवित्र नाम को हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि निश्चय इस घड़ी आपने अपने दासी के मुख में होकर के प्रभु अपने वचनों को दिए, और इस वचन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं कि निश्चय परमेश्वर पिता आज जितने आपके पवित्र वचनों को सुने हैं, सीखे हैं, हर एक को प्रभु जी आप आशीषित कीजिए कि परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा हर कोई आशीषित होने पाए और आत्मिक लाभ पाने सके। और निश्चय परमेश्वर पिता आज जिस प्रकार वचन हमें आत्मिक वरदानों के विषय में कहता है, आज हमारे हर एक के जीवन में जो वरदान परमेश्वर ने दिए हैं उस वरदान का सही उपयोग करें, जिससे कि हम परमेश्वर की महिमा, सच्चाई और भक्ताई के साथ हम करने पाए। पिता परमेश्वर इस वचन को हर एक के जीवन में बसने दीजिए, ताकि वचन का आशीष हर एक को मिलने पाए। सारी बातों के लिए पिता हम आपको धन्यवाद करते हैं, सारी आदर और महिमा आप ही को देते हुए मसीह यीशु के नाम से यह प्रार्थना को मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, क्रिस्त यीशु में हम लोगों के हृदय और हम लोगों के मन की रक्षा करेगी। आमीन।
समय हम तीसरी गीत गाएंगे कुरुप डंडी से, डंडी नंबर 209। कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बितावें। हमारी कलिशिया के बिशप, कलिशिया के पदाधिकारियों तथा सभी कार्यकर्ताओं एवं कलिशियाई सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरे पवित्र इच्छा के अनुसार चलावें। जगत की लूथरन कलिशिया और विदेश के हमारे मित्रों को आशीष दे
कि हम क्रिस्तीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ्य पावें। हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे डर और प्रेम में बढ़ते जावे। कलीसिया के विद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनको बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेतीबाड़ी और हर एक काम उद्यम, नौकरी, व्यवसाय और श्रम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पावे। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकेती और दुख में हैं, और उनको शांति दे। कलीसिया द्वारा संचालित मिशनरी सेवा सहभागिता के कामों पर आशीष दे। सभी मिशनरियों को पवित्र आत्मा से अभिषेक कर कि वे निर्भय होकर निष्ठापूर्वक अपने कार्यों को कर सके। सुसमाचार के कार्यों में बाधा एवं विरोधी तत्वों को दूर कर दे, ताकि जहां मंगल सुसमाचार नहीं पहुंचा है वहां पहुंचाया जा सके। धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए पिता कि आपने अपने जीवित वचन के द्वारा हम सबों को आशीषित किया है। परमेश्वर पिता, इस महामारी के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, इस समय आप हर एक की रक्षा रखवाली कीजिए। हम जहाँ कहीं भी जाते हैं प्रभु जी, आप हमें सुरक्षित रखिए। परमेश्वर पिता, हम तो निश्चय पापी मनुष्य हैं प्रभु जी, उसके कारण प्रभु जी जो भी हमसे पाप दोष गुना अपराध हुए हैं प्रभु जी, हर एक पापों को आप क्षमा कर दीजिए। परमेश्वर पिता, विनती करते हैं इस समय जो दान लिया गया है परमेश्वर पिता, उसको आप बहुत रीति से आशीषित कीजिए, ताकि वे आपके राज्य में इस्तेमाल होने पाए। हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे जगहों एवं दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं। उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरें। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उज्याला प्रकाश कर। हमको अपस्तापी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। ए हमारे पिता जो स्वर्ग में हैं, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही पृथ्वी पर भी होवे। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। आशीर्वाद ग्रहण करें। परमेश्वर हमें आशीष देवे और हमारी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुंह हम पर प्रकाश करे और हम पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुंह हम पर प्रकाश करे और हमें कुशल देवे। आमीन। सहाय।